बेखौफ पशु तस्करों ने हिरौला पुलिस पर पिकअप से मारा टक्कर, चार पुलिसकर्मी घायल, फायरिंग करते हुए पशु तस्कर फरार, दो गिरफ्तार, पिकअप बरामद। आजमगढ़ अहिरौला थाना क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा पुलिस पीआरबी पर पिकअप चढ़ाकर जान लेने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस हादसे में तीन पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड घायल हुए। इन चारों पुलिसकर्मियों में से एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी मिलने के बाद एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने अहिरौला थाने का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में दो नामजद और आठ अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अहिरौला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बताते चले कि अहिरौला थाना क्षेत्र के माहौल में गुरुवार की रात को मेला लगा हुआ था। मेले में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी। अहिरौला थाना क्षेत्र के ही शाहपुर के मेले में दो पुलिसकर्मी परीक्षक दुबे और सौरभ राय की ड्यूटी लगी हुई थी। ये दोनों पुलिसकर्मी मेले से वापस लौट रहे थे। इसी बीच अंबारी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पशु तस्करों की पिकअप ने रेरहा मंदिर के पास बाइक सवार दोनों पुलिसकर्मियों को कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया। इस हादसे में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ दूर जाने के बाद पिकअप ने फिर डायल 112 के दो पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया गया और फायरिंग भी की गई। इस मामलों में चारों पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद तस्करों की गाड़ी सड़क किनारे खेत में जाकर फंस गई। इस गाड़ी में पांच से लोग बैठे थे और जोर जोर से ये भी चिल्ला रहे थे कि पुलिस वाले अभी मरे नहीं हैं। पुलिस ने इस मामले में इरशाद नफीस और आठ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पिकअप को भी कब्जे में ले लिया गया है। इस बाबत एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अहिरौला थाने में दो नामजद और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। कल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को शाम को लगभग 8:30 बजे थाना अहिरौला पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पुलिसकर्मियों को पिकअप द्वारा घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना अहिरौला की पुलिस मौके पर पहुंची, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर भी मौके पर पहुंचे। मौके पर जब जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ गौतस्करों द्वारा पुलिस की सतत निगरानी से छुटबुद होकर जान से मारने की नीयत से दो पुलिसकर्मी और दो पीआरबी के कर्मियों पर पिकअप से चढ़ाने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर फायरिंग की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना अहिरौला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर जो उनकी गाड़ी असंतुलित होकर गड्ढे में गिर गई थी, उस पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है और बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें दो नामजद व आठ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। दो लोगों को इसमें अभी तक हिरासत में लिया गया है और अन्य कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य और साक्ष्य संकलित किया जाएगा उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।